Hello dear students, myself Dr. Ajay Singh. In this part, we are going to discuss the effect of maternal genes on formation of excess in Drosophila. In the first part of Drosophila, we have already discussed the excess patterning in Drosophila. Maternal effect genes के रोल को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। मैटरनल इफेक्ट जीन्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द एग। मैटरनल इफेक्ट जीन का ग्रेडियंट ड्रोसोफिला में एक्सेस पैटर्निंग में रोल प्ले करता है। आगे चल के यही मैटरनल इफेक्ट जीन्स रेगुलेट करते हैं गैप जीन्स को, गैप जीन्स एक्टिवेट करते हैं पेयर रूल जीन्स को, और पेयर रूल जीन्स एक्टिवेट करते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को। सेगमेंट पोलैरिटी जीन ड्रोसोफिला में सेगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग मैटरनल इफेक्ट जीन को डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला में 10 मैटरनल जीन्स पाए जाते हैं जिनके नाम हैं बाइकॉइड, हंचबैक, काउडल, नैनोस, एक्सुपेरेंशिया, स्वालो, ऑस्कर, टूडर, एक्रॉन एंड टेल्सन, जिसमें बाइकॉइड, हंचबैक, काउडल और नैनोस को मेजर मैटरनल जीन कहा जाता है। बाकी बचे 6 जीन को माइनर मैटरनल जीन कहा जाता है। मैटरनल जीन के लिए मैसेंजर आरएनए नर सेल प्रोवाइड करती है ओसाइट को। अब हम लोग देखेंगे कि एग में ये मैटरनल जीन का लोकलाइजेशन कैसे होता है। आप लोग मोटर प्रोटीन डाइनिन और काइनेसिन से अवेयर हैं। डाइनिन जो कि नेगेटिव एंड की तरफ पाया जाता है, वो लोकलाइज करता है 2 माइनर मैटरनल जीन को जिनका नाम है एक्सुपेरेंशिया एंड स्वालो एंटीरियर साइड पे, जबकि काइनेसिन जो कि पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता है वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है और वो लोकलाइज करता है 2 माइनर मैटरनल जीन को जिनका नाम है ऑस्कर एंड टूडर। इस तरीके से हमने देखा एग में पोस्टीरियर साइड पे डाइनिन एंटीरियर साइड पे एक्सुपेरेंशिया एंड स्वालो को लोकलाइज करता है, वहीं पोस्टीरियर साइड पे काइनेसिन ऑस्कर एंड टूडर को लोकलाइज करता है। आगे चल के हम देखते हैं कि ये एक्सुपेरेंशिया एंड स्वालो स्टेबलाइज करते हैं मेजर मैटरनल जीन को जिसका नाम है बाइकॉइड, और वहीं ऑस्कर एंड टूडर स्टेबलाइज करते हैं मेजर मैटरनल जीन जिसका नाम है नैनोस। इस तरीके से हमें एंटीरियर साइड पे बाइकॉइड मेजर मैटरनल जीन और वहीं पोस्टीरियर साइड पे नैनोस मैटरनल जीन दिखाई देती है। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक्सुपेरेंशिया एंड स्वालो ने बाइकॉइड को एंटीरियर एक्सिस पे, वहीं ऑस्कर एंड टूडर ने नैनोस को पोस्टीरियर एक्सिस पे स्टेबलाइज किया। 2 मेजर मैटरनल जीन हंचबैक और काउडल, पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में ये एंटीरियर एक्सिस से लेके पोस्टीरियर एक्सिस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन आगे चलकर बाइकॉइड हंचबैक की सिंथेसिस को प्रमोट करने लगता है, वहीं नैनोस काउडल की सिंथेसिस को प्रमोट करने लगता है। इस तरीके से हमें एंटीरियर साइड पे बाइकॉइड और हंचबैक का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, वहीं पोस्टीरियर साइड पे नैनोस और काउडल का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। बाइकॉइड बाइंड्स विथ स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस विच इज कॉल्ड 3' UTR, और ये रेगुलेटरी एलिमेंट होता है काउडल मैसेंजर आरएनए का। बाइकॉइड काउडल मैसेंजर आरएनए के रेगुलेटरी सीक्वेंस से बाइंड करके उसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है एंटीरियर साइड पे, जिसकी वजह से काउडल
एंटीरियर साइट पे लोकलाइज नहीं हो पाता है। ठीक इसी तरीके से नैनोस प्यूमिलियो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के हंचबैक मैसेंजर आरएनए को ब्लॉक कर देता है पोस्टीरियर साइट पे, और इस तरीके से हम देखते हैं हंचबैक मैसेंजर आरएनए पोस्टीरियर साइट पे लोकलाइज नहीं हो पाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक ग्रेडियंट डेवलप होता है बाइकॉइड और हंचबैक मैटरनल जीन्स का, वहीं पोस्टीरियर टू एंटीरियर एक ग्रेडियंट डेवलप होता है नैनोस और काउडल मैटरनल जीन्स का। स्टॉफेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग बाइकॉइड नैनोस एंड अदर प्रोटीन विच प्ले रोल इन फॉर्मिंग एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस। बाइकॉइड एंड हंचबैक मैसेंजर आरएनए रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर एंड आर क्रिटिकल फॉर हेड एंड थोरेक्स फॉर्मेशन, वाइल नैनोस एंड कॉडल मैसेंजर आरएनए जो कि आपको पोस्टीरियर साइड पे दिखाई दे रहे थे, दे रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट एंड आर क्रिटिकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मैटरनल जीन लोकलाइज होके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड कर रहे थे, लेकिन न सिर्फ इनका लोकलाइजेशन, मैटरनल जीन का कंसंट्रेशन भी रोल प्ले करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि बाइकॉइड मैटरनल जीन अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो वो हेड फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, बाइकॉइड कंसंट्रेशन अगर लो कंसंट्रेशन में है तो वो थोरेक्स का फॉर्मेशन करेगा, वहीं अगर बाइकॉइड एब्सेंट है तो उस जगह पे एब्डोमेन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से नैनोस अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो वो एब्डोमेन और टेल का फॉर्मेशन करेगा, हंचबैक हाई कंसंट्रेशन होने पर माउथ पार्ट का फॉर्मेशन करता है, वहीं हंचबैक का अगर कंसंट्रेशन लो है तो वो थोरेसिक सेगमेंट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। Now we are going to discuss terminal cell fate. Terminal cell fate is regulated by maternal genes acron, which is present at the most anterior region, and telson, which is present at the most posterior region, under the influence of torso protein. आपको याद होगा हम लोगों ने 10 maternal gene को पढ़ा था, जिसमें से हमने 8 मैटरनल जीन का रोल अभी तक देख लिया है, लेकिन 2 मैटरनल जीन अभी बाकी रह गए थे, उनके नाम हैं एक्रॉन एंड टेलसॉन। इन्हें टर्मिनल मैटरनल जीन भी कहा जाता है क्योंकि ये एग के टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं, एक एंटीरियर साइड पे और दूसरा पोस्टीरियर साइड पे। इनको एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे इस्टेब्लिश करने के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो प्रोटीन होती है टॉर्सो। टॉर्सो प्रोटीन नर्स सेल के द्वारा जो मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड होते हैं उस साइट को, उसकी तरह उसके थ्रू इनकी सिंथेसिस होती है, और टॉर्सो प्रोटीन एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को जिनका नाम है टॉर्सो रिसेप्टर्स। ये टॉर्सो रिसेप्टर आरटीके टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल रीजन ऑफ द एग। प्रोटोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन दैट इज पीटीटीएच एक्ट एज अ लीगेंड फॉर द टॉर्सो रिसेप्टर, एंड लीगेंड की जब टॉर्सो रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है तो ये इनिशिएट करते हैं मेटामॉर्फोसिस को। आगे चल के हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्सो सिग्नल ग्रेडियंट दैट इनएक्टिवेट्स अ ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर दैट इज ग्राउचो। देखिए फर्टिलाइजेशन से पहले ये ग्राउचो प्रोटीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, लेकिन और ग्राउचो प्रोटीन एक ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर होती है। ग्राउचो एंड टॉर्सो दे बोथ एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, यानी जहाँ पे ग्राउचो प्रेजेंट होगी वहाँ टॉर्सो नहीं प्रेजेंट होती है, और जहाँ टॉर्सो प्रेजेंट होती है वहाँ ग्राउचो प्रेजेंट नहीं होती है।
इस तरीके से हमने देखा टॉर्सो की जो पोजीशन थी, यानी टॉर्सो की जो प्रेजेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल रीजन पे है। तो इस तरीके से टर्मिनल रीजन पे आपको ग्राउचो प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगी, सेंट्रल पोजीशन पे ग्राउचो प्रोटीन देखने को मिलेगी और वहां पे टॉर्सो एब्सेंट होगा। टॉर्सो एट द पोल ट्रिगर्स द एक्सप्रेशन ऑफ गैप जीन। अब यहाँ मैं आपको दो गैप जीन का नाम, कुछ गैप जीन का नाम बताने वाला हूँ, जिनका रोल हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि टर्मिनल पोजीशन पे जो टॉर्सो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट करती है दो गैप जीन को, जिनका नाम है हकीबेन एंड टेललेस। याद रखिएगा, टर्मिनल पोजीशन पे टॉर्सो की वजह से दो गैप जीन एक्टिवेट हो रही हैं, हकीबेन एंड टेललेस, जो कि एक्ट करती हैं एज अ रिप्रेसर फॉर टू अदर गैप जीन, दैट इज क्रूपल एंड रिप। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, टर्मिनल पोजीशन पे टॉर्सो एक्टिवेट करती है दो गैप जीन को, हकीबेन एंड टेललेस, और ये हकीबेन और टेललेस गैप जीन एक्ट करती हैं एज अ रिप्रेसर फॉर टू अदर गैप जीन्स, दैट इज क्रूपल एंड निप। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो क्रूपल और निप, ये दो गैप जीन आपको टर्मिनल पोजीशन पे देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे उनकी रिप्रेशर गैप जीन प्रेजेंट हैं, जिनका नाम है हकीबेन और टेललेस। हकीबेन और टेललेस को वहाँ पे कौन लेके आया? वहाँ पे उनको लेके आए टॉर्सो प्रोटीन। ग्राउचो रिप्रेस द रिप्रेसर ऑफ क्रूपल एंड रिप्स। अब देखिए, सेंटर पे ग्राउचो प्रेजेंट था और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ग्राउचो एक्ट एज अ रिप्रेसर प्रोटीन, और ग्राउचो वहाँ पे क्रूपल और निप को रिप्रेस करने वालों को रिप्रेस कर देता है, यानी इसीलिए टर्म यूज किया जा रहा है ग्राउचो रिप्रेस द रिप्रेसर ऑफ क्रूपल एंड निप। इसका मतलब ग्राउचो जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, वहां पे आपको हकीबेन और टेललेस देखने को नहीं मिलेंगे, सेंटर पे आपको क्रूपल और निप गैप जीन्स देखने को मिलेगी। इस तरीके से हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में अगर देखें तो एंटीरियर साइड पे हमें एक्रॉन, टॉर्सो, और वहीं पोस्टीरियर साइड पे टेल्सॉन और टॉर्सो देखने को मिलेगा। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने टॉर्सो की सिग्नलिंग को देखा। यहाँ पे हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। आप देख सकते हैं नर्व सेल से टॉर्सो के लिए मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड होता है, जिससे टॉर्सो लाइक प्रोटीन एक्टिवेट होती है और वो टर्मिनल पे टॉर्सो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। वहीं राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो टर्मिनल साइड पे, जहाँ टॉर्सो की सिग्नलिंग यानी टॉर्सो का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ग्राउचो प्रोटीन इनहिबिटेड है और वहाँ पे दो गैप जीन्स हकीबेन और टेललेस दिखाई दे रही है। सेंटर पे जहाँ पे ग्राउचो एक्टिवेट रहता है, वहाँ पे आपको टॉर्सो एब्सेंट दिखाई देगा और यहाँ पे क्रूपल और निप गैप जीन्स दिखाई देंगी। एक्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ बाइकॉइड, जैसा कि आपको याद होगा लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था, एक्रॉन एंटीरियर मोस्ट रीजन पे प्रेजेंट होता है। बाइकॉइड की प्रेजेंस में एक्रॉन एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, लाइक ब्रेन एंड हेड सेगमेंट। वहीं पे टेल्सॉन जो कि पोस्टीरियर मोस्ट रीजन पे प्रेजेंट है, नैनोस की प्रेजेंट में फॉर्मेशन करता है टेल और एब्डोमिनल सेगमेंट्स का। द एम्ब्रियो ऑफ मदर्स विथ म्यूटेशन ऑफ द टॉर्सो जीन्स हैव नाइदर एक्रॉन नॉट टेल्सन। अगर ऐसा कोई म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से टॉर्सो जीन का फॉर्मेशन ही ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक्सट्रीमिटीज आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि टर्मिनल स्ट्रक्चर्स ऑल टुगेदर एब्सेंट रहेंगे। लास्ट में कहा गया है कि अगर टॉर्सो लाइक प्रोटीन में डोमिनेंट म्यूटेशन या गेन इन फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, दैट इम्पार्ट कंस्टिट्यूटिव एक्टिविटी टू द रिसेप्टर, दैट विल कन्वर्ट द एंटायर एंटीरियर हाफ ऑफ द एम्ब्रियो इनटू एन एक्रॉन एंड द एंटायर पोस्टीरियर हाफ इनटू अ टेल्सॉन। यानी कि अगर टॉर्सो का गेन इन फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो पूरे के पूरे एम्ब्रियो को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। एंटीरियर हाफ पार्ट में एक्रॉन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, जबकि पोस्टीरियर हाफ पार्ट में टेल्सन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी।
दस टॉर्सो मस्ट नॉर्मली बी एक्टिवेटेड ओनली एट द एंड ऑफ द एग्स, इसलिए टॉर्सो का सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पे एक्टिवेट होना और वो भी नॉर्मली एक्टिवेट होना जरूरी है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइकॉइड मैसेंजर आरएनए को एंटीरियर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है वहाँ पे बाइकॉइड एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। बाइकॉइड एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है तो आपको एंटीरियर साइड पे हेड और थोरेक्स का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, वहीं पोस्टीरियर साइड पे एब्डोमेन और टेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि टर्मिनल एंड पे एंटीरियर साइड के टर्मिनल एंड पे आपको एक्रॉन और वहीं पोस्टीरियर एंड के टर्मिनल साइड पे आपको टेल्सन मैटरनल जीन दिखाई दे रही है। उसके राइट हैंड साइड एक ऐसे एम्ब्रियो को लिया गया है जहाँ पे बाइकॉइड ऑल टुगेदर एब्सेंट है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ बाइकॉइड डेफिशिएंट म्यूटेंट, और जैसा कि आपको पता है बाइकॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड थोरेक्स रीजन, तो इस तरीके के एम्ब्रियो में आपको हेड और थोरेक्स रीजन बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो बाइकॉइड डेफिशिएंट फिनोटाइप में एब्डोमेन सेंट्रल पूरे पार्ट में आपको एब्डोमेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोनों टर्मिनल साइड पे टेल्सोन की वजह से, क्योंकि एक्रॉन अब एब्सेंट हो चुका है, टेल्सोन की वजह से टेल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमें टू टेल दिखाई देगी इस टाइप के एम्ब्रियो में जहाँ पे बाइकॉइड एब्सेंट होगा और पूरे सेंट्रली आपको एब्डोमेन सेगमेंट दिखाई देगा। फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, पहले एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक बाइकॉइड डिफिशियंट एम्ब्रियो में हमने एक्टोपिकली यानी बाहर से बाइकॉइड लाके प्रोवाइड कर दिया और वो भी एंटीरियर साइड पे। जब भी आप बाइकॉइड एंटीरियर साइड पे प्रोवाइड करोगे तो वो पूरी तरीके से नॉर्मल डेवलपमेंट शो करेगा। आप देख सकते हो ठीक जैसा हमने सबसे पहला केस पढ़ा था, आपको एंटीरियर साइड पे हेड और थोरेक्स देखने को मिलेगा, वहीं पोस्टीरियर साइड पे एब्डोमेन और टेल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर बाइकॉइड डेफिशियंट एम्ब्रियो में हम बाइकॉइड प्रोवाइड करें बाहर से लेकिन मिडिल पोर्शन पे? तो आप देख सकते हो अगर मिडिल पोर्शन पे बाइकॉइड, एम्ब्रियो के मिडिल पोर्शन पे बाइकॉइड प्रोवाइड किया जाएगा तो हेड और थोरेक्स एंटीरियर पोर्शन पे ना बनके आपको मिडिल पोर्शन पे बनते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हो हेड विल बी इन द मिडिल रीजन और हेड के दोनों साइड पे जहां बाइकॉइड का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होने लगेगा वहां पे आपको थोरेक्स बनता हुआ दिखाई देगा और एब्डोमेन आपको पोस्टीरियर साइड पे दिखाई देगा और दोनों टर्मिनल पे आपको टेल्सोन की वजह से टेल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हम ये देख रहे हैं एक वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो में हमने वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो यानी जहाँ पे बाइकॉइड की पोजीशन क्या होगी एंटीरियर साइड पे, हमने पोस्टीरियर साइड पे बाइकॉइड को एक्टोपिकली प्रोवाइड कर दिया। तो जहाँ पे हमने बाइकॉइड प्रोवाइड किया बाइकॉइड वहाँ पे हेड और थोरेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से हमें एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड टू साइड हेड का फॉर्मेशन दिखाई देगा ऐसे एम्ब्रियो में। और ऐसे डेवलपमेंट के म्यूटेशन के केस बहुत बार आपके सीएसआईआर एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट बाइकॉइड मैसेंजर आरएनए एंड बाइकॉइड प्रोटीन आर बोथ नेसेसरी एंड सफिशियंट टू स्पेसिफाई एंटीरियर पैटर्न। बाइकॉइड वॉज द फर्स्ट मॉर्फोजन रेगुलेटिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू बी आइडेंटिफाइड। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अदर मैटरनल इफेक्ट जीन्स, देयर म्यूटेंट फिनोटाइप एंड देयर प्रपोज फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। आपको ये सारे मैटरनल इफेक्ट जीन के म्यूटेंट फिनोटाइप यानी कि जब इनका म्यूटेशन हो जाता है तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये मैटरनल इफेक्ट जीन का प्रपोज्ड फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है, ये एज इट इज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। इनमें से बहुत से मैटरनल इफेक्ट जीन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो एक्स्ट्रा मैटरनल इफेक्ट जीन है वो आप इनको यहाँ से नोट कर सकते हो।
ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसका आंसर कुछ स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में किया है। अब हम लोग उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि ड्यूरिंग वन एक्सपेरिमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला आर ट्रांसप्लांटेड इनटू टॉर्पीडो डेफिशिएंट मदर। देखिए, यहीं से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, अगर वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला को ट्रांसप्लांट किया जाए टॉर्पीडो डेफिशिएंट मदर में, तो उसकी नॉर्मल एक्सिस पैटर्निंग नहीं हो पाएगी। साइमल्टेनियसली एक दूसरा एक्सपेरिमेंट साथ ही साथ किया गया, जहाँ पे एक टॉर्पीडो डेफिशिएंट मदर से एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया गया वाइल्ड टाइप मदर यानी नॉर्मल मदर में, तो आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टॉर्पीडो डेफिशिएंट मदर के एम्ब्रियो को हम एक नॉर्मल वाइल्ड टाइप मदर में ट्रांसप्लांट कर दें, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल एक्सिस पैटर्निंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी, जहाँ पे कहा जा रहा है नॉर्मल पैटर्निंग इन वाइल्ड टाइप वाइल टॉर्पीडो डेफिशिएंट एम्ब्रियो विथ नो एक्सिस पैटर्निंग, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बात की जा रही है द वेंट्रल सल्फेट इन ड्रोसोफिला इज अकर्ड बिकॉज ऑफ पाइप प्रोटीन। इन वन एक्सपेरिमेंट मेमेलियन करेस्पॉन्डिंग एनएफ कप्पा बी प्रोटीन इज नॉक्ड आउट एंड इट लीड्स टू दी। आपको यहाँ जानना होगा कि जो एनएफ कप्पा बी एक मेमेलियन प्रोटीन होती है, ये होमोलोगस होती है डॉर्सल प्रोटीन के लिए, और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डॉर्सल प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेंट्रलाइजेशन। तो अगर ऐसी कोई प्रोटीन जो कि डॉर्सल प्रोटीन की होमोलोगस है, उसको हम नॉक्ड आउट कर दें, बाहर कर दें, तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो कैसा हो जाएगा? डॉर्सलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रल स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज होल एम्ब्रियो विल बी बिकम डॉर्सलाइज्ड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ड्यूरिंग एक्सिस पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला टॉल इज रिक्वायर्ड फॉर डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी। Which of the following is correct about the टॉल? आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने वो डायग्राम पढ़ा था, तो वहाँ पे टॉल की जो मैंने पोजीशन दिखाई थी वो एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर था, ना कि साइटोसोलिक रिसेप्टर। तो द राइट आंसर विल बी टॉल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर दैट एक्टिवेट सीरीन थ्रियोनिन काइनेज पेले। आपने देखा था किस तरीके से टॉल रिसेप्टर की वजह से पहले एक्टिवेट हो रहा था, और फिर वो पहले जाके एक्टिवेट कर रहा था डॉर्सल प्रोटीन को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप में से वो स्टूडेंट जो CSIR लाइफ साइंसेज, गेट लाइफ साइंस या गेट बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हम लोगों के साथ ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से CSIR पॉइंट ऐप डाउनलोड करनी है, और नीचे दिए गए नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ड्रोसोफिला के गैप जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन और होम्योटिक जीन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर कलीग्स। थैंक यू।